नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस और टीसीएस दोनों कंपनी के बारे में बात करेंगे, और ये दोनों कंपनी में कौन सा कंपनी में अभी एक सही वक्त है कि जो कि इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, और कौन सा स्टॉक में हमें एक अच्छा सा रिटर्न देखने को मिल सकता है, कंप्लीटली इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारे बढ़िया बढ़िया कंपनी का यहाँ पे एक सही सपोर्ट लेवल पे बताया जाएगा कि कौन सा लेवल पे बाय करके कौन सा लेवल तक हमें अवॉइड करना चाहिए, उस लेवल से कौन से टारगेट तक लेके चलना चाहिए। सारी वीडियो में यहाँ पे वही सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, कंपनी का अच्छे अच्छे कंपनी आपके सामने लाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विद इंटरेस्टिंग टाइम। अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, पहला कंपनी है जो कि दिग्गज कंपनी है और आईटी सेक्टर का नंबर वन अगर आप देखेंगे पर लार्जेस्ट प्लेयर है, जो कि टीसीएस। 11,91,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। किसी भी स्टॉक में पोजीशन आप बना रहे हैं, कंपनी का जो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लीजिए, तो वहां पे फिर आगे चल के टेक्निकल पे कौन सा लेवल पे बाइंग करना है उसके बारे में बात कीजिए, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, कंपनी एक दिग्गज कंपनी है, 11,91,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, उसी के साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 59% का है, उसके साथ में बिल्कुल लो डेट कंपनी है, ओनली 9% का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। उसी के साथ में स्टॉक का अगर लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे 4046 है, और स्टॉक यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है 3200 के पास में, एक अच्छा सा कंसोलिडेशन में अच्छा सा करेक्शन पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बहुत बढ़िया है, 1.32% का कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। और कंपनी का रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं, जो यहाँ पे मार्च क्वार्टर में जो रिजल्ट कंपनी का देखने को मिला है, मार्च के क्वार्टर में 59,162 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। उसी के साथ में नेट प्रॉफिट के बारे में अगर बात करेंगे, 11,436 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। कंपनी बिल्कुल प्रॉफिटेबल कंपनी है, और कंपनी के साथ में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया से कंपनी का ग्रोइंग हो रहा है। उसी के साथ में अगर हम लास्ट चार क्वार्टर के बारे में बात करेंगे, लास्ट चार क्वार्टर में 42,000 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे 42,303 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी के साथ में सेल्स यहाँ पे 2,25,000 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। और कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, कंपनी का यहाँ पे मार्च क्वार्टर में 90,000 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे रिजर्व देखने को मिला है। उसी के साथ में बोरोइंग कितना है, ओनली 7,600 करोड़ का कंपनी के पास में बोरोइंग देखने को मिल रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग तो पूरा स्ट्रांग देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिटेल पब्लिक के पास में अगर हम होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, ओनली 5% का होल्डिंग है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रांग हैंड्स में होल्डिंग है। आज के दिन के अगर हम कारोबार के बारे में बात करेंगे, आज के दिन में 11,50,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, 7,02,000 क्वांटिटी यहाँ पे एनएसी में डिलीवरी उठाया गया, जो कि 61% का डिलीवरी आज के दिन में देखने को मिला है। अगर हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी इस टाइम पे। अगर हम बात करेंगे तो आज के दिन में अगर हम देखेंगे टीसीएस के स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है, लास्ट 3 डेज से कंपनी में वीकनेस देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है ना। ब्लैक कलर का जो लाइन है यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक में फिर से वीकनेस देखने को मिलता है। क्या स्टॉक में कौन सा लेवल तक यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, उस चीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो आपको अगर इसमें पोजीशन बनाना है तो मेरे हिसाब से आपको इस लेवल से पोजीशन बनाना आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा लेवल से अगर हम लेवल के बारे में बात करेंगे, पहला आपका जो लेवल रहेगा यहाँ पे बाइंग जोन रहेगा, यहाँ पे 3,200 का लेवल से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, पहला लेवल। उसके बाद में जब सेकंड लेवल के बारे में बात करेंगे, सेकंड लेवल नोट कर लीजिए, जो कि 3100 का लेवल, ठीक है। 100 रुपीज़ का गैप में आप फिर से वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, नहीं तो कंजर्वेटिव मोड में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 3,100 का लेवल पे जरूर आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल पे आपको बाइंग करना, और टारगेट कौन सा लेवल तक लेके चलना चाहिए, मेरे हिसाब से सीधा सीधा आप यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि 3,800 का लेवल तक बिल्कुल लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहला टारगेट आपका 3,800 हो सकता है, तो यहाँ से बहुत बड़ा गेन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से लेवल के बारे में हमने बात कर लिया, तो अभी हम बात करेंगे तो यहाँ पे इन्फोसिस कंपनी के बारे में, ये एक दिग्गज कंपनी है, इस स्टॉक में भी हमें कौन सा लेवल पे पोजीशन बनाना है और कंपनी का यहाँ पे क्या व्यू है, उस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है एक बढ़िया सा वीडियो बनाने के लिए। उसके साथ में अच्छे अच्छे कंपनी के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, जो कि हमारा ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में भी कनेक्ट होना चाहते हैं ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कौन सा टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, काफ़ी सारे स्टॉक अभी लाइफ टाइम हाई के पास में आ चुका है, तो उस स्टॉक में जरूर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि सही स्टॉक में अगर सही लेवल पर आपका प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो पैसे को आप दूसरा कंपनी में, जो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन में मिलता है, वहाँ पर लगा के आप बहुत बढ़िया से गेन ले सकते हैं। अगर आप अभी अगर जो स्टॉक अभी मोमेंटम में है, जो लाइफ टाइम हाई के पास में चल रहा है, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जब करेक्शन होगा, जो कि ऐसा नहीं है ओनली टेक्निकल के बेसिस पे, अगर आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, स्टॉक में कंसोलिडेशन आ जाएगा, करेक्शन आ जाएगा, वहां पे फिर आप रुके रह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक सही लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कि इंफोसिस कंपनी के बारे में, इंफोसिस स्टॉक में देखिए यहाँ पे कंपनी का मार्केट क्या 5,21,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि दिग्गज यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है, जो कि अगर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि IT स्टॉक है। तो यहाँ पे उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 40% का है। उसके साथ में अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करेंगे तो 11% का डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर हम स्टॉक का लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का लाइफ टाइम हाई 1954 है और स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 1258 के पास में ट्रेडिंग हो रहा है, एक अच्छा सा करेक्शन पे आपको मिल रहा है। उसके साथ में कंपनी का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखिए 2.7% का स्टॉक का डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा करेक्शन पे आपको मिल रहा है, अगर आप देखेंगे स्टॉक एक बहुत बड़ा करेक्शन पे मिल रहा है, जो कि 1950 रुपये का स्टॉक अभी आपको 1258 रुपये पे मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है यहाँ पे। अगर आप लाइफ टाइम हाई से देखेंगे तो अराउंड 30% का करेक्शन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को अगर देखते हैं 30-35% का जो करेक्शन हुआ है, तो आगे चल के अगर हम इस लेवल पोजीशन बढ़ाएंगे उससे पहले हम देखते हैं कंपनी लो डेट कंपनी है, कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% का देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं, मार्च के क्वार्टर में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे 6,134 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे गिरावट देखने को मिला है 6,586 करोड़ से, तो यहाँ पे 6,134 करोड़ है, जो मतलब यहाँ पे डिक्लाइन नजर आया है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे सेल्स के बारे में 37,441 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। और कंपनी का अगर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे तो हर एक ईयर में कंपनी का सेल्स बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोइंग हो रहा है, जो कि 2020 में अगर आप देखेंगे 23,000 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स था, तो यहाँ पे 37,000 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का सेल्स भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग हो रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग हो रहा है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे लास्ट 4 क्वार्टर में देखिए 24,108 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी के साथ में सेल्स के बारे में अगर बात करेंगे 1,46,000 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। कंपनी का सेल्स भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोइंग हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी के जो करेक्शन हुआ है, जिन लोगों ने अभी एक साल के अंदर में जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं तो उन्हीं को ही लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट 10 साल पहले, लास्ट 5 साल पहले, लास्ट 3 साल पहले जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उन्होंने तो डिविडेंड तो बहुत अच्छा कमाया ही है, और उसमें यहाँ पे 16% का रिटर्न भी CAGR के हिसाब से मिल रहा है, कोई बुरा नहीं है, बहुत बेहतरीन यहाँ पे रिटर्न कमा के दिया है। अगर आप कंपनी का सेल्स के बारे में बात करेंगे, देखिए कंपनी का सेल्स भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोइंग हुआ है, जो कि लास्ट 5 साल में 16% CAGR के हिसाब से कंपनी का सेल्स भी ग्रोइंग हुआ है। उसके साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 26% के हिसाब से CAGR के हिसाब से ग्रोथ हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी। उसी के साथ में अगर हम इन्फोसिस में आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, तो आज के दिन में अगर हम बात करेंगे तो 55,34,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, डिलीवरी उठाया गया 35,26,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 64% का यहाँ पे डिलीवरी आज के दिन में देखने को मिला है, जो कि बहुत बेहतरीन डिलीवरी हम इसको मान सकते हैं। दोनों को दोनों स्टॉक में एक अच्छा डिलीवरी उठाया गया है, क्योंकि यहाँ पे TCS में अगर आप देखेंगे तो 61% है और यहाँ पे 63%, तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी ज़्यादा हुआ है क्वांटिटी और डिलीवरी भी ज़्यादा उठाया गया, जो कि बहुत बढ़िया है। तो उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभी के लेवल के हिसाब से हमें कौन सा लेवल पे यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे जो लगता है ये एक सही लेवल है, जिस लेवल पे यहाँ पे स्टॉक चल रहा है इस लेवल पे बिल्कुल आप पोजीशन बना के चल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मुझे कोई रिस्क का नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टारगेट के बारे में बात करूंगा, टारगेट को आप जरूर नोट कर लीजिए। तो मुझे लगता है आपको इस टारगेट तक यहाँ पे पोजीशन बना के कैरी करके चलना चाहिए, जो कि 1616 का टारगेट, नोट कर लीजिए 1616 का टारगेट तक आप लेके चलिए, तो यहाँ से बहुत बढ़िया सा आपका पैसे बना के दे सकता है ये कंपनी, ठीक है। तो सीधा सीधा 1616 तक का टारगेट तक लेके चलिए, पहला टारगेट आपका बनेगा। उसके बाद में आप जो सेकंड टारगेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई तक भी आप सेकंड टारगेट लेके चल सकते हैं, तो बहुत बेहतरीन कंपनी है, मुझे यहाँ पे कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। तो आप जरूर ये स्टॉक के बारे में यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं, कोई भी यहाँ पे रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन होता है क्या है, मार्केट में जब करेक्शन होता है ना, अगर हमें अगर अपना पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक रखा हुआ है, क्वालिटी स्टॉक भी गिरेंगे और जो स्टॉक में यहाँ पे ये नहीं है वो भी गिरेंगे, लेकिन यहाँ से अगर आप यहाँ से पोजीशन बनाते हैं सीधा सीधा एक 30% का आपको गेन देखने को मिल सकता है, बिल्कुल एक साल के अंदर में आपको ये 30% का गेन देके जा सकता है। तो कंपनी बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज, 100 डे का मूविंग एवरेज दोनों का दोनों के नीचे है, और उसी के साथ में RSI देखिए, RSI बिल्कुल 22 तक आ चुका था, तो अभी यहाँ पे
39 के पास में RSI चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। उसी के साथ में अगर आप सेकंड टारगेट के बारे में बात करेंगे, मुझे लगता है सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे बन करके आ रहा है जो कि 1912, ठीक है, 1912 आपका सेकंड टारगेट है। मैं फिर से नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे पहला टारगेट आपका रहेगा 1616 और सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा 1912, ठीक है। दोनों टारगेट के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो में कैरी करके चल सकते हैं। कंपनी बहुत बढ़िया है, पक्का आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। यहाँ पे मुझे कोई भी यहाँ पे डाउट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ में कंपनी में बने रहना है और अपना टारगेट तक लेके चलना है, ठीक है। और टारगेट आ जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी भी स्टॉक में पोजीशन बना लिए, जब स्टॉक में मोमेंटम आता है उस टाइम पे आप फिर क्या करेंगे, तो वहाँ पे आप डर के आप क्या सोचेंगे कि लालच में आ जाएंगे कि नहीं मेरा तो यहाँ से पैसा और भी डबल हो सकता है, कहीं पे दूसरी जगह में इन्फ्लुएंस, कहीं भी दूसरी जगह से है, मुझे न्यूज़ सुनने को मिल रहा है यहाँ से आपका पैसा डबल हो सकता है, होल्ड करो। अगर ऐसा सिचुएशन में रहेंगे ना तो मार्केट में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको अभी करना क्या है, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक के साथ में बने रहना है और अपना टारगेट तक लेके चलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे दोनों को, दोनों स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है, ठीक है। मैं यही सारे स्टॉक के बारे में यहाँ पे अपना ग्रुप में डिस्कशन करता रहता हूँ, जो कि ये अच्छा क्वालिटी स्टॉक जब सही लेवल पे आता है बाइंग करने के बारे में, और जब अपना प्रॉफिट आ जाए प्रॉफिट बुकिंग भी करने के बारे में वहाँ पे हम डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बिल्कुल यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के साथ में पर्सनल ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं। सही लेवल पर अगर आप पोजिशन बनाएंगे पक्का पैसा बनेगा। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर में मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला, एक सही लेवल पर इसमें पोजिशन बनाओ। बहुत सारा स्टॉक एक सही लेवल पर जब आता है तो वहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लेवल भी बहुत ज़रूरी होता है, जब आपको अच्छा गेन लेना है तो अच्छे कंपनी को एक अच्छा लेवल पे बाय करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमेशा अच्छे कंपनी के साथ में बने रहे, अपने टारगेट तक लेके चलिए, पैसा पक्का बनेगा। किसी भी स्टॉक में आपको 3% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आप जरूर, आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पता कर लीजिए, पूछ लीजिए, तो अभी आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।